बच्चों, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कोणों के मापन की पद्धतियाँ, फिर आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलनों का सामान्य परिचय, और उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की व्युत्पत्ति के साथ हमने उसका सत्यापन देखा था। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को दो या दो से अधिक कोणों के योग या अंतर के रूप में लिखना सीखेंगे, साथ ही उसका सत्यापन करने के बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो इस अध्याय में जो पहला सूत्र है वह योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें से पहला सूत्र है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा सूत्र है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फिर अंत में तीसरा है टेन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये हमने तीन फार्मूले देखे। इसके बाद हम व्यकलन सूत्र देखेंगे, जहाँ पर इसी तरीके से हमें तीन सूत्र मिलेंगे, जिसमें से पहला है साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पिछले में हमने आप देखा था कि यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ था, अब यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका दूसरा सूत्र है कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तीसरा सूत्र है टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब हम देखते हैं योग सूत्र या फिर एडिशन फार्मूला। पहला है साइन ए प्लस बी। देखिए ए और बी यहाँ पर हम दोनों का योग कर रहे हैं, इस वजह से यह योग सूत्र है। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए पहला साइन है, फिर उसके बाद ए, यहाँ पर साइन ए है, और दूसरा है बी, ये कॉस के साथ है। अब यहाँ पर ये रिवर्स हो गया। देखिए ये कॉस ए हो गया है और ये साइन बी हो गया है। तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मान लेते हैं ये पहला सूत्र है। दूसरा है कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दूसरा सूत्र, ध्यान दीजिए यहां पर जब प्लस है तब यहां पर ये माइनस होता है। अब आ जाते हैं टेन पर, तो टेन ए प्लस बी ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये तीसरा सूत्र। अब हम देखते हैं व्यकलन सूत्र या फिर अंतर सूत्र। सब्ट्रैक्शन फार्मूला, यहाँ पर a प्लस बी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी ये होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। देखिए यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो ये फार्मूला आपको बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस ऑफ a माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसे हम पांचवा समीकरण दे देते हैं या पांचवा सूत्र दे देते हैं। अब देखते हैं टेन ए माइनस बी, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये छठवा। देखिए यहाँ पर जब टेन ए प्लस बी था तो अंश में यहाँ पर आपको प्लस मिला, यहाँ पर माइनस है। अब जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले को याद रख सकते हैं। इसके अलावा दो और फार्मूले हैं, कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये सातवा। इसी तरीके से इसका अंतर कॉट ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आठवां। तो ये सभी समीकरण आपको याद होने चाहिए, बड़ा आसान है। जब भी हम किसी प्रश्न को हल करेंगे तो जो आवश्यक सूत्र होगा उसे उसके नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करते करते ये सूत्र याद हो जाएंगे। देखते हैं सूत्रों का सत्यापन।
सत्यापन। तो इसमें जो पहला सूत्र है यह है cos of a माइनस बी, जिसका कि हम सत्यापन करने वाले हैं। यह इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले हम एक तल पर दो निर्देशाक्ष खींच लेते हैं और फिर यहां पर एक इकाई वृत्त की रचना करते हैं। ये x, ये o, ये x डैश, ये y o और ये y डैश। चूंकि इकाई वृत्त की रचना की गई है अतः इस वृत्त की त्रिज्या एक इकाई होगी, P0 1 0 होगा। अब इस प्रकार वृत्त पर हम तीन बिंदु P1, P2 और P3 इस प्रकार ले रहे हैं कि कोण XOP1 ये कोण A के बराबर होगा, कोण XOP2 ये कोण B के बराबर होगा और कोण XOP3 ये A माइनस B के बराबर होगा। माना बिंदु P1 यहाँ पर कहीं पर है तो इसे हम मूल बिंदु से मिला देते हैं। तो ये P1 जो होगा ये हमें cos A sin A मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण A है। पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका पहला पद cos के टर्म में होता है और दूसरा पद जो होता है वो sin के टर्म में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो P1 है ये cos A और sin A होगा, चूँकि यह x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एक अंश का कोण बना रहा है। अब एक दूसरा बिंदु P2, अब हमने ये कहा था कि P2 जो है ये यहाँ से कोण B बनाता है, तो इसका मतलब ये कि इसका जो निर्देशांक होगा ये cos B sin B होगा। अब यहाँ पर हम एक कोण देख रहे हैं XOP3, ये A माइनस B के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण A है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण B है। तो कोण A में अगर हम कोण B को घटा दें तो हमें एक तीसरी बिंदु वृत्त पर मिलेगी, माना ये बिंदु P3 है। P3 का जो निर्देशांक होगा इसे हम लिखेंगे cos A माइनस B और sin A माइनस B। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि P1 जो है ये cos A sin A है, P2 जो है ये cos B sin B है और P3 का जो निर्देशांक है ये है cos A माइनस B sin A माइनस B। हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर यदि समान चाप है तो वह समान कोण अंतरित करता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर दो चाप हमें मिल रहे हैं, एक है P0 P3 और दूसरा है P1 P2। यदि समान कोण अंतरित कर रहे हैं तो उनकी चाप की जो लंबाइयाँ होगी ये भी आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसे आगे हल करेंगे तो ये आगे हमें मिल जाएगा, देखिए P0 P3। अब यहाँ पर हम एक और बिंदु लिख लेते हैं जो कि P0 यहाँ पर है 1 0, ये P0 है और ये P3 है। तो इसका x कोऑर्डिनेट इससे घटा देंगे तो हमें मिलेगा cos a माइनस b माइनस 1 का ये स्क्वायर है, फिर प्लस sin a माइनस b और ये माइनस 0। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि sin a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, आगे देखिए p1 और p2, ये p1 है और ये p2 है। तो इसे आगे हम लिख सकते हैं cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस sin b माइनस sin a का होल स्क्वायर।
तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर रूट है, राइट साइड में भी स्क्वायर रूट है, दोनों को हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस वन, ये इसका स्क्वायर, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और ये इक्वल टू, ये पूरा पद यहाँ पर आएगा कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यदि इसका विस्तार करें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ए हो गया और बी वन हो गया, फिर आगे ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी है इक्वल टू, अब इन पूरे पदों का विस्तार करते हैं, कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए कॉस बी, फिर ये अगला पद साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए साइन बी। अब ये देखिए कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस बी, चूँकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो ये पद और ये पद मिला करके लेफ्ट साइड पे हमें वन की वैल्यू देंगे, और फिर ये वन और फिर ये माइनस टू कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से देखिए कि कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी ये हमें वन वैल्यू देंगे, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये भी हमें वन वैल्यू देगा, और फिर माइनस टू यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी, और यदि मैं माइनस टू को कॉमन ले लूँ तो आगे यहाँ पर पद आएगा प्लस साइन ए साइन बी। अब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब ये देखिए ये प्लस वन ये टू, और यहाँ पर भी प्लस वन टू, ये बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। इसके कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर आगे पद बचेगा माइनस टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये तो इस तरीके से देखिए कि माइनस टू और यहाँ पर माइनस टू बोथ साइड कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें जो फार्मूला मिल रहा है कॉस ए माइनस बी का वो कुछ इस प्रकार है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से हमें यह पहला सूत्र मिल चुका है, इसका उपयोग करके हम कॉस ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हैं। अगला सूत्र है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका हम सत्यापन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यदि लेफ्ट साइड को लेकर के चलें कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं कॉस कॉस ऑफ ए माइनस माइनस बी, तो इस तरीके से ये पद ए हो गया और ये माइनस बी वाला जो पद है ये बी हो गया, और चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका उपयोग कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए और फिर कॉस बी, बी के स्थान पर है माइनस बी, फिर प्लस साइन ए और साइन बी, बी के स्थान पर है माइनस बी, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर ये साइन ऑफ माइनस भी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये माइनस आ गया और कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी मिल गया। तो ये दूसरा सूत्र का हमें सत्यापन कर चुके हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी ये फार्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें जो तीसरा सूत्र है ये है साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो साइन ऑफ ए माइनस बी ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका हम सत्यापन करने वाले हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चलते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, ये जो साइन ए माइनस बी है इसे हम लिख सकते हैं कॉस के पदों में कि कॉस ऑफ पाई माइनस ए माइनस बी,
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इस वजह से ये साइन ऑफ ए माइनस बी है, इसको हमने लिखा है कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए माइनस बी। अब इसमें एक काम करते हैं कि जो कॉस के बाद पाई बाई टू और माइनस ए को एक साथ ले लेते हैं और दूसरे पद बी को अलग कर देते हैं। और आपने कॉस थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसका उपयोग करके हम इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए, तो साइन ए के जगह पर है पाई बाई टू माइनस ए और फिर साइन बी। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये वाला जो पद है ये हमें मिलेगा साइन ए और दूसरा पद कॉस बी है। फिर उसी प्रकार साइन पाई बाई टू माइनस ए अगेन कॉस ए मिलेगा और फिर ये साइन बी। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी जो है ये मिल रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से इसका हम सत्यापन कर चुके हैं। अब इसमें जो चौथा सूत्र है वो प्लस के लिए उपयोग करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पूर्व की भांति हम इसका सत्यापन करने के लिए साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लिखेंगे साइन ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला है साइन ए, फिर दूसरा है कॉस बी, तो कॉस ऑफ माइनस बी यहाँ पर है, फिर कॉस ए और साइन ऑफ माइनस बी। पहला यहाँ पर हमें साइन ए और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस बी, और फिर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमें माइनस जो है और ये माइनस मल्टीप्लाई कर होके प्लस मिल जाएगा, और अगला पद है कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला हमें मिल गया साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगला सूत्र है टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इस सूत्र का भी सत्यापन हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम टेन ऑफ ए प्लस बी लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी इसका विस्तार हम पहले ही देख चुके हैं। तो वो पूरे पद को हम लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये देखिए कि यहाँ पर टेन ए और टेन बी है, तो पहले पद में हमें साइन ए दिख रहा है और साथ में कॉस बी है, तो और यहाँ पर हर में हमें एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी है, तो हर में यहाँ पर एक लाने के लिए इन पूरे पदों को कॉस ए कॉस बी से अगर भाग दे दें तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस पी, फिर प्लस ये वाला पद कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और फिर पूरा अपॉन ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब ये देखिए कि ये कॉस बी और ये कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरीके से ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी ये बचेगा यहाँ पर, फिर ये साइन ये कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी है तो यहाँ पर आ जाएगा वन, फिर माइनस ये साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए और फिर साइन बी अपॉन कॉस बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू,
ये देखिए, ये इसको हम टेन ए लिख सकते हैं, इस पद को हम लिख सकते हैं टेन बी, और वन माइनस इस पद को लिख सकते हैं टेन ए, और अगले पद को लिख सकते हैं टेन बी। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो अगला सूत्र है टेन ऑफ ए माइनस बी, ये होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस है तो अंश में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और चूंकि यहाँ पर माइनस था यहाँ पर ये साइन चेंज हुआ है तो यहाँ पर हमें प्लस मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसका सत्यापन हम देख लेंगे। टेन ऑफ ए माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं टेन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। आपने ये टेन ए प्लस बी देखा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो टेन ए प्लस टेन बी, बी के जगह में है माइनस बी, अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन ऑफ माइनस बी। तो इस तरीके से यदि इसे आगे हल करें तो मिलेगा टेन ए माइनस टेन बी। चूँकि टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा मिलता है तो इस वजह से टेन ऑफ माइनस बी माइनस टेन बी मिलेगा, फिर अपॉन वन, और ये टेन ऑफ माइनस बी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें टेन ए टेन बी। तो ये है टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो इस तरीके से यह सूत्र भी सिद्ध होता है।